दोस्तों ये बात है 1966 की, जब एक जवान पंजाब रेजिमेंट में एक सिपाही के तौर पर भर्ती होता है। पर 4 अक्टूबर 1968 को कुछ सामान ले जाते वक्त उस सिपाही का पैर फिसल जाता है। नीचे घाटी में गिरने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। घाटी में तेज पानी के बहाव की वजह से उनकी बॉडी भी नहीं मिलती है। और कुछ टाइम बाद वो अपने एक साथी के सपने में आते हैं और उनको अपनी बॉडी का पता बताते हैं, और उनकी बॉडी को खोजे जाने पर उनकी बॉडी उसी जगह पर मिलती है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं बाबा हरभजन सिंह की। और कहा जाता है दोस्तों, शहीद होने के बाद भी बाबा हरभजन सिंह इंडो चाइना बॉर्डर पर भारत माँ की सेवा कर रहे हैं। सलाम है हमारे देश के सिपाहियों के जज्बे को। अगर आप इंडिया से हैं तो कमेंट में इंडियन आर्मी के लिए दो शब्द जरूर लिखना।